नसरुल्लागंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टीका मोड़ ग्राम का मामला सामने आया है, जहां पर गरीब ग्रामीण आज भी सरकार की योजनाओं से वंचित दिखाई दे रहे हैं। यहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब वर्गों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शौचालय और उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है। आज उनके ही अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को पट्टा लगाने का महज काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले 15 साल तक गरीबों के मसीहा कही जाने वाले मामा शिवराज सिंह चौहान ने राज किया था और उनके संरक्षण में बीजेपी सरपंच सचिव द्वारा उनके ही विधानसभा क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, जिसका जीता जागता उदाहरण टीका मोड़ की ग्राम पंचायत है, जहां सरपंच ने प्रधानमंत्री आवास, शौचालय जैसे ऐसे व्यक्तियों को दे दी जिनके पास 10 से 15 एकड़ जमीन है या वह सरकारी नौकरी में कार्यरत है। जब ग्राम के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार पर उतारू है तो आखिर उन ग्रामीणों की कौन सुनेगा। कई बार ग्रामीणों ने जनपद पंचायत नसरुल्लागंज पहुंचकर जनपद सीईओ को भी अवगत करवाया, लेकिन आज तक उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आपका नाम बताइए। पिंटू वर्मा। कहाँ के निवासी पिंटू जी? ग्राम टीका मोड़। यहाँ किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको? सर ये बहुत गंदगा हो रहा है सर, पूरा पानी बिरा सर। ओडीपी है, डीपी। और डीपी भी सर, तार ही नीचे है सर, उसके कभी भी करंट फैल सकता है सर। यहाँ से स्कूल के बच्चे जाते निकल जाते हैं ना सर, तो ये तार ऐसे ही खुले हैं सर? ऐसे खुले रहते हैं सर 12 महीने। बारिश में सर यहाँ कमर कमर पानी बीता है। यहाँ पानी भरा रहता है? पानी भरा रहता है सर। तो इसके लिए यह नाली माली की व्यवस्था नहीं है सरपंच करवाते नहीं सर? सरपंच सचिव, सरपंच सचिव बोले सर, बोले क्या करवाएं हम, शिकायत कर दो हमारी। अच्छा, पंचायत वाले नाली बनवा सकते हैं? तो नाली का निर्माण नहीं करवा? नाली का निर्माण नहीं करा सर। पूरे गांव में ऐसे ही? पूरे गांव में ऐसे ही सर, पानी पीता पूरे गांव में। चलो ठीक है। अखिलेश वर्मा, ग्राम टीका मोड़। ये पंचायत भवन में जैसा आप ये खड़े हैं, इसमें ताला लगा क्या? ऐसे ही लगा रहता है? ऐसे ही लगा रहता है हमेशा। अच्छा, इसमें एक जानकारी ये भी मिली थी कि जो इसमें जो शासकीय सामान आया था, हाँ, वो भी किसी ने अपने घर ले गया? सरपंच के घर ले गए। टीवी, एलसीडी आई थी और कंप्यूटर भी नहीं है यहाँ पे, सब सामान अपने अपने घर ले जाकर रख लिया। कुछ नहीं, खाली पड़ा है, कोई रहते नहीं यहाँ पे, आते ही नहीं है तो क्या काम? रोजगार सहायक नहीं आता? रोजगार सहायक शायद सचिव कोई नहीं आते हैं। 26 जनवरी पे तो आम सभा की मीटिंग होनी थी। हाँ, नहीं हुई? नहीं हुई। देश आजाद हुआ, हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। फोन लगा के बुलाए, इसके बाद में भी कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, 4 बजे आके खोल दी। यहाँ पे थोड़ी मस्ती अस्ती करी, मतलब लूनों ने बुलाया तो, मतलब 4 बजे यहाँ पे 26 जनवरी को 4 बजे लोगों को बुलाने पर आए। वो भी ऐसा लग रहा है कि झंडा उतारने के लिए आए होंगे। तो झंडा बंधन भी नहीं हुआ है? झंडा तो हुआ, उन्होंने कर कुरा के चले गए सुबह 7 बजे। मतलब ग्राम सभा की मीटिंग के लिए गांव वालों को जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं, उस रोज तो बंद ही रही। डोंडी नहीं पिटवाई? डोंडी।